अगर आप लोगों में मेहनत करने का जज्बा, जुनून और जोश है तो आप अपनी कामयाबी का सफर खुद तय कर सकते हैं, फिर परिस्थितियां चाहे कितनी भी गंभीर ना हो। यंगस्टर्स में ये मैसेज देती है विनोद चोपड़ा की ये फिल्म जिसका नाम है 12वीं फेल, यानी कि 12th फेल। ये मूवी जो है वो 27 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है, तो चलो सबसे पहले इस मूवी के बारे में आप लोगों को रिव्यू दे देता हूँ। इस फिल्म में आप लोगों को विक्रांत मैसिव, मेगा शंकर, अंशुमान पुष्कर, अनंत जोशी, हरीश खन्ना जैसे अलग अलग एक्टर एक्ट्रेसेस देखने को मिलने वाले हैं। ये फिल्म जो है वो IPS मनोज कुमार की कहानी जो है उनके ऊपर बेस्ड है, जो साल 2005 में कैडर के एक अधिकारी थे। तो अगर आप लोग मुझसे कहानी पूछे तो यहाँ पर मनोज और उसका परिवार जो है वो चंबल में रहता है। पिता की नौकरी के बाद घर की जो हालत होती है वो ठीक नहीं होती है, यहाँ तक कि उन लोगों को दो वक्त की रोटी खाने में भी तकलीफ पड़ती है। स्कूल में एक ईमानदार ऑफिसर के कारण मनोज जो है वो चीटिंग नहीं कर पाता है और इस वजह से वो फेल हो जाता है, लेकिन उसे इस बात से निराशा नहीं होती है क्योंकि वो जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ सीखा है कि नकल करना जो है वो बुरी बात होती है। इसके बाद वो पूरी जान लगाकर वो एग्जाम देता है और वो पास हो जाता है। ग्रेजुएशन के बाद मनोज का IPS बनने का सफर शुरू होता है। क्या मनोज IPS बन पाएगा, इस दौरान उसे कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ये सब जानने के लिए तो आप लोगों को नजदीकी थिएटर्स में जाना होगा और ये मूवी देखनी होगी। अगर हम लोग एक्टिंग की बात करें तो 12वीं फेल में विक्रांत मैसी के ऊपर ही पूरे की पूरी एक्टिंग का कंधा लगा हुआ है और उन्होंने ये किरदार बहुत ही शिद्दत से निभाया हुआ है। दोस्तों, गांव से आया हुआ एक डरा सहमा और अपने सपनों की तलाश करता हुआ एक लड़का और वो कैसे मुश्किलों का सामना करता है, और ये सब हम लोगों को इस मूवी में दिखाया हुआ है। ये फिल्म देखकर आप लोग विक्रांत मैसी के फैन तो हो ही जाओगे। वहीं दूसरी ओर मेगा शंकर ने भी अपनी एक्टिंग बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई है। अनंत विजय ने भी यहाँ पर अच्छा काम किया हुआ है। 12वीं फेल में हम लोगों को विकास दिव्य कीर्ति भी नजर आ रहे हैं, जो इस फिल्म को और भी नेचुरल बना देता है। अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है विनोद चोपड़ा ने। उन्होंने जिस तरह से इस फिल्म को सोचा हुआ है वही सेम टू सेम बड़े पर्दे पर हम लोगों को दिखाने की कोशिश की है। इसके अलावा उन्होंने स्टार कास्ट भी बहुत ही अच्छा चूज किया हुआ है। सभी के स्क्रीन टाइम उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किए हुए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो मनोज की कहानी में लव एंगल डाला हुआ है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। ओवरऑल ये फिल्म तो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। अगर आप लोग 3 इडियट्स, एस्पिरेंस, शादी में जरूर आना ये सब मूवी में पसंद करते हैं तो ये मूवी भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। ओवरऑल इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 5 में से 4 स्टार। तो चलो यार, रही था मेरा आज का रिव्यू 12वीं फेल मूवी के ऊपर जो कि अभी थिएटर्स में लगी हुई है। क्या आप लोग ये मूवी देखने थिएटर्स में जाओगे या फिर OTT के अंदर सारे करोगे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।